वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज हम पुर्तगाल में रिपोर्ट है पुर्तगाल का
बड़ी नहीं है पर अच्छा है, साफ सुथरा इलाका है और स्ट्रक्चर है और कुछ ऐसा नया मॉडिफिकेशन नहीं है, पुराने स्टाइल में ही है और अच्छा मॉडिफाई किया है। यहाँ का चौक और पेंडों की बसें आ रही है, खाली ही आ रही है, कोई आया नहीं अभी, सुबह ही आ गए सारे। ये होता है भाई, इंडिया में तो कोई रोकेगा भी नहीं, गाड़ियाँ रुक रही है अपने आप ऑटोमेटिक। पहले जाने देंगे एक लाइन को, फिर उसके बाद दूसरे जाएंगे। लाइन क्रॉस नहीं करेगी जब तक गाड़ी नेक्स्ट नहीं जाएगी। तो हम चलते हैं थोड़ा पहाड़ों की तरफ, बहुत टाइम है अपने पास। ये देख रहे हो, ये सिटी मतलब घर हैं इनके। एम्बुलेंस जा रही है बहुत बहुत फास्ट और सभी मतलब साइड होते हुए। ये देख रहे हो, ये सिर्फ पशुओं के लिए है, बाड़े टाइप बना रखे हैं उन्होंने। इधर छोड़ देते हैं और शाम को मतलब लेके जाते हैं। सामने अपना क्रूज शिप दिख रहा है, वो पियानो क्रूज शिप ऐसा कुछ ये है। और ये थोड़ा चौक पारादा विक्टोरिया, ये मेरे को लगता है ऊपर के लिए ये होगा, ऊपर जाने के लिए रोड है पहाड़ों की साइड में। पत्थरों को काट के बनाया गया एक साइज में, ऊपर से गाड़ी आ रही है, इसकी आवाज ऐसे आ रही है जैसे मतलब नेक्स्ट ही लेवल साउंड है यहाँ पे। कासा रिवेरा, घर के साइड में जो है मतलब अच्छा बना रखा है, ग्रीनरी टाइप, ओल्ड पुराने पुराने चीजें बहुत हैं इधर देखने के लिए। मुर्गियां और बत्तख साथ में बहुत अच्छे तरीके। मैं बहुत क्लोज पहुंच चुका हूँ माउंटेन के, क्लोज तो नहीं बोल सकता पर मतलब
जितना नज़दीक आ सकता था आया मैं, क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे देखने के लिए। ऊपर इन्होंने एग्रीकल्चर कर रखा है, खेत खेती, और मैं भी प्रमोट करता हूँ इंडिया में भी कुछ इस तरह से हो। घर देख रहे हो, लेमन लगे हुए, पपाया लगे हुए सामने। ये बहुत दूर है यार, ऐसा लगता है देखने में कि नज़दीक है पर है दूर है। वो पहुंचा तो हूँ मैं, इतना नज़दीक नहीं पहुंच पाया, बहुत दूर है वो। ऐसे लगता है नज़दीक है, ऊपर टरबाइन लगे हुए हैं, वो बिजली बनाते हैं शायद इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ऐसे खेतों में रहते पशु, देख रहे हो, और कितनी ग्रीनरी है। चलते हैं यहाँ से वापस, ये भी कुछ कुछ हिमाचल की तरह ही लगे है थोड़ा। हिमाचल में जैसे क्लाइमेट ठंड के टाइम में होता है। हम आ गए हैं भाई बिल्लीज एरिया में, ओल्ड बिल्लीज टाइप है। और भाई पशु पक्षी बहुत सारे इधर, उनके पता नहीं इन्होंने फार्मिंग कर रखी है, जैसे कबूतर वगैरह और चिड़िया। ये कुछ ऐसा देखने में लगता है नज़दीक से, मैं दूर से देख रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, नज़दीक से भी बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, पर इसके लिए बहुत दूर तक आना पड़ा। यहाँ से हो जाते हैं वापस, वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी और हम आ चुके हैं बहुत दूर, तो अभी ठीक है वापस चलते हैं। टाइम लगेगा मेरे को लगता है 45 मिनट्स तो लगे हैं, देखते हैं आगे कुछ मिलता है तो। यहाँ से देखने में कुछ ऐसा लग रहा हो, कितना अच्छा बंगलो है छोटा सा। सामने क्रूसिप पियांडो, ये देख रहे हो क्रिएटिविटी, जहाँ भी जगह मिलती है सरसों को बीज रखी है। ऐसे खुले में छोड़ते हैं पशुओं को, ये सब इनके खेत टाइप है। सामने को ऊपर को पहाड़ी पे भी खेत हैं, ऐसे घर होते हैं यहाँ पे। ये ऐसे कितने बाल है इसको। और ये भेड़ों का बाड़ा है, भेड़ है ऐसी रहती है बाड़े में। मुझे एग्रीकल्चर के और कुछ ही जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे बड़ा ये है इनका, और डेयरी फार्म क्रूज। और ये बहुत बड़े सांड है, दो बुरी तरह से घूर रहे मेरे को। और वो क्रूज है अपना पियानो, करीब करीब 300 मीटर लॉन्ग। खास ये पैक करके रख लेंगे और सुखाने के बाद, सॉरी
में चने की खेती हो चुकी है और कितना अच्छा धुंध पड़ी है ऊपर ऊपर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं अपने क्रूज की तरफ जो कि सामने है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लंबा हो गया इसलिए अभी स्टॉप करता हूँ।